बदी के रूप रावण फूकिया जिहड़ा कि मोदी सरकार साढ़े वास्ते गलत नीतियां लैके पंजाब की किसानी तबाह करना चाहते हैं, जो मतलब हरियाणा की किसानी तबाह करना चाहता है। इन्हों नीतियां का असर पूरे हिंदुस्तान से आ, गरीब तो लैके अमीर तक इन्हों नीतियां का असर है। तो मोदी साहब कल ही कारपोरेट घराणियां मतलब मदद कर दशहरे में रावण की जगह मोदी दहन किया। देश के किसानों को अडानी अंबानी का गुलाम बनाने की कवायद के तहत मोदी सरकार के अवैध कृषि ऑर्डिनेंस को लेकर किसानों की जत्थे ऑर्डिनेंस को रद्द करने की मांग के साथ काफी दिनों से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के तहत आज अमृतसर के भंडारी पुल पर दशहरे के मौके पर रावण की जगह मोदी के 10 फुट के पुतले का दहन किया। बूढ़ों, बच्चों और महिलाओं ने मोदी मुर्दाबाद के नारों के साथ कहा कि अगर ये अवैध ऑर्डिनेंस रद्द नहीं किए जाते तब संघर्ष तेज होगा। मोदी सरकार ने 3 कृषि ऑर्डिनेंस के जरिए देश में कृषि को कारपोरेट घरानों का गुलाम बनाने की साजिश की है। बता दें कि ऐसे ही प्रयोग विदेशों में भी सरकारों ने किए, जिन्हें रद्द करके सरकारों को मुंह की खानी पड़ी। मैं कुलदीप सिंह मध्य निंगल, जिला प्रधान भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राह। हाँ जी, की कहना चाहोगे? अज ये अज बदी के रूप रावण फूकिया जिहड़ा कि मोदी सरकार साढ़े वास्ते गलत नीतियां लैके पंजाब की किसानी तबाह करना चाहते हैं, जो मतलब हरियाणा की किसानी तबाह करना चाहता है। इन्हों नीतियां का असर पूरे हिंदुस्तान से आ, गरीब तो लैके अमीर तक इन्हों नीतियां का असर है। तो मोदी साहब कल ही कारपोरेट घराणियां मतलब मदद करनी चाहते हैं, गरीबां की कमाई लुट के उन्होंने देनी चाहते हैं। असं वो विरुद्ध हैं, इस करके अं जगह जिन्ना चिर खेती बिल वापस नहीं होंगे उन्ना चिर तक लड़ते रहा। की मंगा हो गई मंगा उ जी, जो खेती बिल इन्होंने पास किए ने वो रद्द होने चाहिए ने, चाहे अगर नहीं होंगे फिर नहीं होंगे लड़ाई जारी रहेगी, जिन्ना चिर वापस नहीं होगा आप पंजाब के किसान लड़ते रहेंगे।